बागेश्वर धाम से जुड़े अनेक रहस्य। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर गड़ा ग्राम में स्थित बहुचर्चित एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। बागेश्वर धाम के गुरुजी का नाम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को ग्राम गढ़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। महाराज जी के पिता राम कृपाल गर्ग तथा माता सरोज गर्ग हैं। वर्तमान में हिंदू तीर्थस्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और हिंदू प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिवपुराण के उपदेशों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना से माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आज से लगभग 20 से 30 वर्ष पहले की बात है, 1986 के समय मंदिर का नवीनीकरण कराया गया था। तब से यह मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहाँ पर एक संत जी का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इसके बाद सन 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब आते आते वर्ष 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे आते हुए वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण जुड़ने लगे और बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। बागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग दरबार में आते हैं। इसके बारे में यह भी माना जाता है कि अगर आप यहाँ किसी भी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी हो जाता है। यहाँ पर आए सभी भक्तों की मान्यता है कि महाराज जी बिना पूछे ही लोगों की मन की बात बता देते हैं। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।